एक शहर में एक बूढ़ी औरत अपने पोते और पोती के साथ रहती थी। वो बहुत अंधविश्वासी थी। वो किसी भी बात को बिना जाने समझे मान लेती थी। एक दिन की बात है, बच्चे खेलने जा रहे थे, तभी उस बूढ़ी औरत को छींक आ गई। छी, फिर वो बच्चों से बोली, अरे रुको, कहीं मत जाओ, बाहर निकलते समय अगर छींक आ जाए तो अच्छा नहीं होता। उसकी पोती बोली, क्या दादी, आपको 2 दिन से जुखाम हो रखा है इसलिए छींक आ रही है, हमें प्लीज खेलने जाने दो। तभी उनकी एक पड़ोसन वहाँ आई और बोली, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी इन सब बातों को मानती हूँ। दोनों बच्चे आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। ये आंटी कितनी अजीब है ना, ये दादी की कितनी चापलूसी करती है ना, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक हुई तो किसी काम से बाहर जाने लगी। तभी उसकी पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? बूढ़ी औरत बोली, मेरे घर पे बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, तबीयत खराब होने की वजह से मैं बैंक नहीं जा पाई थी, आज ये पैसे बैंक में जमा कराने जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर पड़ोसन मन में कुछ सोचने लगी, अच्छा इसके पर्स में बहुत पैसे हैं। फिर वो बूढ़ी औरत से बोली, अरे अरे रुको, आज बैंक मत जाओ, मैंने सुबह ही सपना देखा था कि तुम बैंक जा रही हो और कुछ चोर तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, तुम तो जानती ही हो सुबह का सपना तो सच ही होता है, तुम आज मत जाओ कल जाना। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत बैंक नहीं गई। उसकी पोती ये सब सुन रही थी। फिर रात बीतने के बाद सुबह आई, बूढ़ी औरत चिल्ला रही थी, मेरे पैसे कहाँ गए, किसने चुराए, अब क्या करूं मैं, क्या करूं? उसकी पोती ने जब ये सब देखा तो बोली, दादी चलो हम उन आंटी के घर चलते हैं। फिर वो दोनों पड़ोसन के घर जाने लगे। घर पहुंचते ही दादी हैरान रह गई, उसके सारे पैसे उस पड़ोसन ने ही चुराए थे। देखा बच्चों, किसी भी बात को मानने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। हाय किड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन for more videos. Bye bye.